हेलो फ्रेंड्स, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हम देखेंगे इलास्टिक कोलिजन जो है वन डायमेंशन में किस तरह से होगा। इसके बाद हम वेलोसिटीज निकालेंगे कोलाइडिंग बॉडीज की आफ्टर कोलिजन। हम ये भी चेक करेंगे कि क्या इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू वन आता है कि नहीं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में हमने देखा था e की वैल्यू इक्वल टू वन होती है। तो देखो सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन होगा क्या, तो एक ऐसा कोलिजन होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसके बाद जो फोर्सेस इन्वॉल्व्ड है वो कंजर्वेटिव होंगी, मैकेनिकल एनर्जी इसमें हीट लाइट या साउंड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे हमारे पास ये दो पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस हैं एम वन और एम टू, ये मूव कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। इसके बाद ये दोनों बॉडीज कोलाइड करती हैं, ठीक है। ये है ड्यूरिंग कोलिजन, ये है बिफोर कोलिजन, तो इसका मास है m1, ये है m2। अब कोलिजन के बाद ये बॉडीज फिर से मूव करने लगेगी अलोंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग द सेम, मान लो x एक्सिस में मूव करने लगेगी, तो इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v2। इसका मास m1 था और मास m2 था। अब देखो यहां पे ध्यान से होगा क्या, ये बॉडीज की मासेस और वेलोसिटीज हमने लिख दी। फर्स्टली कंडीशन क्या होगी कि ये दो बॉडीज कोलाइड करें, क्या u1 बड़ा होगा कि u2 बड़ा होगा, क्या ये दोनों वेलोसिटीज इक्वल होंगी इनिशियली। तो देखो अगर u1 u2 के इक्वल आता है तो दोनों बॉडीज, ठीक है, एक जैसे मूव करती रहेगी, जो दोनों बॉडीज के बीच में गैप था वो एज इट इज रहेगा, ये कोलाइड नहीं कर पाएंगी। बट अगर क्या होता है, अगर u1 u2 से बड़ा होगा तो u1 थोड़ी स्लो मूव कर रही है, u2 आके इसको कोलाइड कर जाएगा। बट अगर u2 बड़ा होगा तो u2 बड़ा होने की वजह से u2 आगे निकल जाता, u1 इसे कोलाइड नहीं कर पाता। तो ये है भाई कोलिजन किस तरह से होगी और कंडीशन क्या होगी कि u2 हमेशा कम होना चाहिए u1 से, तभी कोलिजन हो पाएगी। तो देखो मैथमेटिकल पोर्शन इसका देखते हैं, वेलोसिटीज निकालनी है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलता है कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम फाइनल लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा, ठीक है, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। अब देखो इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉडीज का, फाइनल मोमेंटम दोनों बॉडीज का, इनिशियल वेलोसिटीज है तो इनिशियल मोमेंटम होगा, फाइनल वेलोसिटीज है तो फाइनल मोमेंटम होगा। यहां पे देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम वन यू वन माइनस एम वन वी वन इक्वल्स टू एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू। तो ये आ जाएगा m1 u1 माइनस v1, m2 v2 माइनस u2। ये आगे फर्स्ट इक्वेशन। तो लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन हमने लगा दी, इसके बाद हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो बिल्कुल ऐसे हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा के देखेंगे। तो ये आएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज की और दूसरी तरफ दोनों बॉडीज की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये हाफ सब में कॉमन है, ये कैंसिल हो सकता है। हम लिखेंगे एम वन यू वन स्क्वायर माइनस एम वन v1 square equals to m2 v2 square minus m2 u2 square, जिसको हम लिख सकते हैं m1 u1 square minus v1 square, यहां पे m2 कॉमन लेंगे, v2 square minus u2 square, ये इक्वेशन नंबर टू। तो ये दो इक्वेशन हमें मिली जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाला।
अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, एम वन यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, एम टू वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, एम वन यू वन माइनस वी वन, एम टू वी टू माइनस यू टू, तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। यहां पे अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ध्यान दो, यू वन प्लस वी वन, यू वन माइनस वी वन डिवाइडेड बाय यू वन माइनस वी वन, और इस साइड आएगा वी टू माइनस यू टू, वी टू प्लस यू टू डिवाइडेड बाय वी टू माइनस यू टू। इस पे सेम टर्म्स को कैंसिल करेंगे और हमारे पास आएगा u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। अगर हम इनिशियल वेलोसिटीज एक साइड करते हैं तो u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ठीक है, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। अभी देखो इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर थ्री, अगर हम यहां से चेक करें e की वैल्यू तो हमने लिखा था e इक्वल्स टू v2 माइनस v1 इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u2 माइनस u1, तो देखो ये दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड देखना है तो e आ जाएगा इक्वल टू 1। तो इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस केस पे इक्वल टू 1 आएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस इक्वेशन की हेल्प लेके इनिशियल वेलोसिटीज, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटीज हमें पता है, उनकी टर्म में फाइनल वेलोसिटीज निकालनी। तो देखो किस तरह से करेंगे, तो देखो इक्वेशन नंबर वन में अगर हमने फर्स्ट फाइनल वेलोसिटी मतलब v1 निकालना है तो v2 की वैल्यू पुट करेंगे, और अगर v2 निकालना है v1 की वैल्यू पुट करेंगे यहां से, तो देखो क्या बनेगा ये, एम वन यू वन माइनस एम वन वी वन, एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू। और अगर मान लो मैं क्या करता हूं यहां पे वी टू की वैल्यू पुट करता हूं तो ये क्या बनेगा, एम टू वी टू किसके इक्वल है, इस इक्वेशन में देखो यू वन माइनस यू टू प्लस वी वन, ये वी टू की वैल्यू बनी माइनस एम टू यू टू के इक्वल। इसके बाद देखो एम वन यू वन माइनस एम वन वी वन इक्वल्स टू एम टू यू वन माइनस एम टू यू टू प्लस एम टू वी वन माइनस एम टू यू टू। अब हमने वैल्यू निकालनी है आपसे वी वन की, तो वी वन वाली टर्म्स एक साइड करेंगे, बाकी सब टर्म्स को एक साइड लिखेंगे। तो देखो ये बनेगा एम वन यू वन माइनस एम टू यू वन प्लस एम टू यू टू प्लस एम टू यू टू, और v1 वाली टर्म्स है m2 v1 प्लस m1 v1। तो ध्यान दो जो चीजें कैंसिल होती हैं ऐड होती हैं वो कैंसिल और ऐड करेंगे, m1 ठीक है u1 माइनस m2 u1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 m2 u2 इक्वल्स टू v1 m1 प्लस m2। इसको हम लिख सकते हैं u1 m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2 डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2 से, यहां पे भी m1 प्लस m2 से, और हमें वैल्यू मिलेगी v1। तो फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कोलाइडिंग बॉडीज की इसके इक्वल होगी, ठीक है, ये फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी निकली। अगर हम सेकंड बॉडी की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हम यहां पे क्या करेंगे, जो भी सबस्क्रिप्ट है सबको चेंज करेंगे, वन को टू से रिप्लेस करेंगे, टू को वन से रिप्लेस करेंगे। तो देखो v2 हमारे पास क्या आएगा, तो v2 बनेगा u2 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय, यहां पे प्लस का साइन है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस टू टाइम्स m1 u1 बाय m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगी सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। तो फर्स्ट की वेलोसिटी, ये सेकंड की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन।
तो इस तरह से ये हमारा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कंप्लीट होता है। इसमें कुछ स्पेशल केसेस है, हम वो भी देखेंगे। तो देखो क्या स्पेशल केसेस होंगे। फर्स्टली अगर हम मान लें M1 जो है M2 के इक्वल होगा, अगर दोनों कोलाइडिंग बॉडीज का मास इक्वल होगा, और सपोज कर लो ये इक्वल है M के, तो क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखो V1 किसके इक्वल आएगा, U1 M-M डिवाइडेड बाय M+M प्लस 2 टाइम्स M U2 डिवाइडेड बाय M+M। तो ये तो जीरो हो गया क्योंकि M-M इक्वल्स टू, ठीक है, ये 2 टाइम्स M और ये भी 2 टाइम्स M, तो ये आ जाएगा U2 के इक्वल। इसका मतलब फर्स्ट की फाइनल वेलोसिटी सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी। वैसे V2 निकालते हैं, V2 आ गया U2 M-M डिवाइडेड बाय M+M प्लस 2 टाइम्स M U1 बाय M+M, तो ये 0 हो गया, और ये 2M डिवाइडेड बाय 2M, तो ये आ गया U1। इसका मतलब जो दोनों कोलाइडिंग बॉडीज है वो अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज करेंगी, क्योंकि V1 U2 के इक्वल है और V2 U1 के इक्वल है। इसी में अगर हम एक और केस देख लें कि अगर, ठीक है, अगर जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट पे, इफ, ठीक है, जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट पे और फर्स्ट बॉडी उसको आके कोलाइड करती है, इफ U2 इक्वल्स टू 0 और U2 0 है तो V1 भी 0 हो जाएगा, और V2 कितना होगा, V2 इक्वल्स टू U1, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो ये था फर्स्ट स्पेशल केस। और अगर हम मान लेते हैं इफ M1 वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, ठीक है, अगर मास जो है फर्स्ट बॉडी का वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड बॉडी, और जो सेकंड बॉडी है, ठीक है, U2 वो रेस्ट पे है, ठीक है, U2 रेस्ट पे है, तो क्या होगा। तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं V1 इक्वल्स टू U1 M1, फर्स्ट बॉडी का मास बहुत ज्यादा है तो M2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय दोनों का सम है। अब दोनों का सम जो है वो भी नियरली इक्वल टू M1 ही होगा क्योंकि M1 बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके बाद प्लस ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी क्योंकि यहां पे U2 है, तो ये हमारा U1 के इक्वल आ जाएगा V1। इसके बाद V2 निकालते हैं, यह आएगा U2, ठीक है, U2 M2, ठीक है, M1 बहुत ज्यादा बड़ा है और M1 नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ M1 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, ठीक है, दोनों का सम हैवी बॉडी के मास के इक्वल आएगा, प्लस 2 टाइम्स M1 U1 बाय दोनों का सम आएगा हैवी बॉडी के मास के इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस U2 प्लस 2 टाइम्स U1। बट एक और चीज, ये तो हमने पुट नहीं किया, U2 तो 0 था, U2 अगर 0 था तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स U1, क्यों, बिकॉज U2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो V2 आ गया 2 टाइम्स U1 के इक्वल और V1 आया U1 के इक्वल। तो ये था एक स्पेशल केस। तो इस तरह से हमारा एक कोलिजन, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में कंप्लीट होता है। यही था पूरा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है क्या इसकी, ठीक है, इसमें हम कैसे फाइनल वेलोसिटीज निकाल सकते हैं दोनों बॉडीज की, और कुछ स्पेशल केस। तो आज हम इतना ही रखेंगे, थैंक यू।